हेलो गाइस, वेलकम टू एस सी गेट पी एस यू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाई अभी विद्या मेर एजुकेशन। ये जनरल एप्टीट्यूड का सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि गेट एग्जाम में आया होता है, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में आया होता है, या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में आया होता है। और उस क्वेश्चन से हम कुछ टॉपिक या कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करते हैं। आज हमने जो क्वेश्चन लिया गेट 2019 में आया हुआ है, और ये जो टॉपिक बेस्ड है मेंसुरेशन पे बेस्ड है, और ये जो ब्रांच है सिविल में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, तो बहुत लोगों ने आंसर सही निकाला और बहुत तो अब देखते हैं कि इसको कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कितने लोग आंसर सही है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है, सुरेश वांटेड टू ले ए न्यू कारपेट इन हिज मैंसन विथ एरिया ऑफ 70 to 55 square meters। ठीक है, एक सुरेश एक घर बनाता है, उसमें एरिया कितना है, 70 to 55 square meters है। ठीक है, और एरिया इतना, हाउ मेर एन एरिया 550 square meter है टू लेफ्ट आउट फॉर फ्लावर पॉट्स। ठीक है, उसमें से कुछ एरिया में फ्लावर पॉट रखता है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कारपेट इज 50 per square meter, हाउ मच मनी विल बी स्पेंड बाय सुरेश फॉर द कारपेट। नो, सिंपल से लैंग्वेज में क्वेश्चन ये है कि एक सुरेश एक मेंशन बनता है जिसका एरिया है 70 और 55। ठीक है, इसके इसमें कुछ पार्ट में, मान लो इसका कुछ हिस्सा में, वो क्या करता है कि फ्लावर पॉट रखता है। तो ये जो रिमेनिंग एरिया होगा उसमें क्या करेगा, वो कारपेट लगाएगा। अब पूछा उस कारपेट को लगाने का कॉस्ट कितना होगा, और कारपेट का प्राइस दिया है 50 per square meter, यानी कि 1 square meter कारपेट लोगे तो उसका 50 rupees प्राइस लगेगा। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, पहले तो आप टोटल एरिया निकालेंगे, उस एरिया से इसको घटा देंगे तो ये टोटल एरिया बच जाएगा जिसमें आपको कारपेट लगाना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, 70 into 55, ये टोटल एरिया हो गया, इसमें से कितना घटाना है आपको, ये जो फ्लावर पॉट जितने में रखेगा 550 में रखेगा, ये आ गया ये वाला एरिया। अब ये स्क्वायर मीटर में आएगा, किस में आएगा, स्क्वायर मीटर में आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 50 per square meter प्राइस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, मतलब इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो आंसर होगा ऑप्शन से जो मैच करा वही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन आया था। अब देखो, इसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका, बहुत लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो तो यहाँ 550 है और इसमें भी एक 550 बनेगा ना, तो दोनों में 550 अवेलेबल है, तो 550 कॉमन ले लो, तो 550 इंटू क्या हो जाएगा, 7 - 1 = 6 हो जाएगा, इंटू 50। अब इसको आपको सॉल्व करना है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 20 तो पहले आ गया। ठीक है, उसके बाद 55 into 6 into 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 55 into 3, ये 30 हो जाएगा। यानी कि जो भी, अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 0 तो बनेगा नहीं, तो जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट में 3 digit होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, तो ए और सी पॉसिबल है। इनमें तीन, दोनों में 30 आता है, ऐसा हो सकता है एग्जाम में केवल दो, एक ही में 30 आता है, तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे, लेकिन आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2, 3, 0, 15 और 1, 16, तो 1, 6, 5, 000, तो 1, 6, 5, 000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर कौन सा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि इतना रुपया उसको लगेगा कारपेट लगवाने में। ठीक है, अब ध्यान देंगे, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेंसुरेशन जो टॉपिक है, इससे जो हमारे एग्जामिनेशन में आजकल क्वेश्चन 1-2 सालों से आने लगे हैं, अभी तक 7-8 क्वेश्चन आ चुका है, जो कि बहुत ही आसान आता है, मतलब बेसिक मेंसुरेशन का नॉलेज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेंसुरेशन पूरा डीप में पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा गलती मत करना। आप मेंसुरेशन का बेसिक पढ़ना, जिसमें स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, सर्कल के बारे में, ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो। आप लोग के लिए होमवर्क है, जो कि गेट 2019 में आया, मेंसुरेशन टॉपिक से ही है। ठीक है, ये होमवर्क है, आप इसका सलूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो आप तब तक इसका सलूशन निकालिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और सिविल ब्रांच में आया हुआ है और ये शायद 2 marks का आया हुआ था, इसमें बेसिक मेंसुरेशन और परसेंटेज दोनों का यूज़ है, मेंसुरेशन प्लस परसेंटेज का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व करोगे सॉल्व हो जाएगा, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपको ट्राई करना है, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका सलूशन आपको बताऊंगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथ में दबा लीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़े नहीं तो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें।